गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन रिलेटेड टू स्प्रिंग कट प्रॉब्लम्स. तो ये स्प्रिंग कट प्रॉब्लम्स है, जेईई नीट एंड मैनी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन इस पे आता है. मैकेनिक्स का क्वेश्चन है. तो कैसे इन क्वेश्चंस को हम टैकल कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत आसान बना देने वाला हूँ. बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है और कुछ नहीं है. कॉन्सेप्ट आते हैं तो सब कुछ आता है. अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप सभी क्वेश्चंस को आराम से टैकल कर सकते हो. फिर क्वेश्चन कहीं से आ जाए, कैसा मर्जी आ जाए. देखो, इस क्वेश्चन से समझते हैं. क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो एक थ्रेड है, उसके साथ 2m मास सस्पेंड कर रखा है, फिर नीचे एक स्प्रिंग है और उसके नीचे एक एम मास सस्पेंड कर रखा है. इसके बाद इसने बोला है कि अगर यहाँ से हम क्या करें, थ्रेड को कट कर दें, तो ये जो 2m मास है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा. तो देखो क्या की कॉन्सेप्ट है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो के अंदर भी बता दिया था, फिर से बता रहा हूँ. की कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप थ्रेड को कट करते हैं तो थ्रेड, देखो थ्रेड के अंदर पहले खिंचाव था, थ्रेड को ख़त्म करते ही, कट करते ही खिंचाव तुरंत ख़त्म. खींची हुई थी थ्रेड, काट ही दी तो खिंचाव तुरंत ख़त्म, तो टेंशन फोर्स तुरंत ज़ीरो हो जाता है. टेंशन फोर्स कट करते ही ज़ीरो हो जाता है. बट स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग फोर्स होगा, देखो सिस्टम पहले टांगा हुआ था, ये खींचा हुआ तो होगा ना, स्प्रिंग खींचा हुआ तो होगा, तो इसके अंदर स्प्रिंग फोर्स तो है ना. कट करते ही क्या वो खिंचाव एकदम से ख़त्म हो जाता है क्या? एकदम से तो ख़त्म नहीं होता, टाइम लगता है ना. तो इसलिए जो स्प्रिंग फोर्स है, जो स्प्रिंग फोर्स है जस्ट आफ्टर कटिंग, ज़ीरो नहीं होता, इमिजिएटली ज़ीरो नहीं होता. ठीक है, तो इस की कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हाँ, अगर स्प्रिंग को ही डायरेक्ट कट कर दिया जाए तो स्प्रिंग फोर्स तुरंत ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि स्प्रिंग ही नहीं रहा तो उसके अंदर खिंचाव क्या रहेगा फिर, है ना, उसके अंदर फिर खिंचाव क्या रहेगा. तो देखो, क्योंकि हम यहाँ पे अभी इसको काट रहे हैं तो टेंशन फोर्स तुरंत ज़ीरो, बट स्प्रिंग फोर्स ज़ीरो नहीं. अब स्प्रिंग फोर्स ज़ीरो नहीं तो कितना स्प्रिंग फोर्स है पहले वो भी तो निकालना पड़ेगा ना. तो पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम लगा देंगे इनिशियल कंडीशन के लिए, कुछ कुछ हमें मिल जाएगा. फिर जस्ट आफ्टर कटिंग फ्री बॉडी डायग्राम लगा देंगे तो फाइनली हम अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे. तो देखो, स्टार्टिंग में जब हमने स्ट्रिंग को कट नहीं किया है तो क्या क्या है इसके पास, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमने स्ट्रिंग है हमारे पास कट नहीं किया. तो कौन कौन से फोर्सेस इस सिस्टम पे लग रहे हैं. नंबर वन थ्रेड है, टेंशन फोर्स. टेंशन फोर्स यहाँ पे होगा, अभी कट नहीं किया है तो टेंशन फोर्स यहाँ पे होगा. और 2m पे और कौन सा लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है. नंबर टू इसका खुद का वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको मैं M1G लिख देता हूँ, M1 2M मास को मैं बोल रहा हूँ. और कौन सा फोर्स लग रहा है, इसके नीचे स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेच आया हुआ है, ठीक है, तो इस स्प्रिंग के कारण भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 2M मास पे, तो वो उसको मैं FS लिख देता हूँ. तो ये हो गया फोर्सेस ऑन 2M मास, T M1G एंड फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग. इस पे लगने वाले फोर्सेस को भी आइडेंटिफाई कर लो, कौन कौन सा लग रहा है. नंबर वन M2G, M2 मैं M को ही बोल रहा हूँ. और कौन सा लग रहा है, क्योंकि ये स्प्रिंग के साथ अटैच है तो स्प्रिंग फोर्स जो ऊपर वाले डायरेक्शन में होगा यहाँ पे FS, क्योंकि स्प्रिंग देखो ऐसा खींचा हुआ है. स्प्रिंग फोर्स क्या चाहता है, स्प्रिंग को रीस्टोर करना चाहता है, तो रीस्टोर करने के लिए देखो स्प्रिंग खींचा हुआ है, स्प्रिंग ने अपने आप को रीस्टोर करना है, तो वापस ऐसे करके फोर्स लगाएगा ना, तो इसलिए यहाँ से 2m मास को नीचे और m मास को ऊपर खींच रहा है स्प्रिंग. तो ये फोर्सेस जो इस पर लग रहे थे वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए. अब क्या करते हैं, 2m मास को सिस्टम लो, टेकिंग 2m मास एज ए सिस्टम एंड राइट फ्री बॉडी डायग्राम तो हो ही गया इसका. फोर्स इक्वेशन फॉर इट, मास मूव नहीं कर रहा है, सारा सिस्टम रेस्ट में है स्टार्टिंग में, तो 2m मास पे टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स होगा इस पे ज़ीरो. सो हम बोल सकते हैं जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लगना चाहिए. तो जब हमने 2m को लिया एज ए सिस्टम तो T इक्वल्स टू आया, सीधा M1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, अपवर्ड फोर्स T इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स 2mg प्लस स्प्रिंग फोर्स FS, इक्वेशन नंबर वन. सिमिलरली वी कैन राइट फोर्स इक्वेशन फॉर दिस मास ऑल्सो. वो कैसे लिखेंगे हम, देखो टेकिंग M एज ए सिस्टम,
डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स या अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स. तो एफ एस इक्वल्स टू एम टू जी, एफ एस इक्वल्स टू एम टू जी. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर टू. यहाँ से चाहो तो आप टेंशन भी फाइंड कर सकते हैं, एम टू की वैल्यू एम ही है. चाहो तो अगर पूछा हो तो टेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में टेंशन कितना था. एफ एस की वैल्यू रखोगे एम जी प्लस टू एम जी तो क्या आ जाएगी, ये 3 mg. बट हमें अभी इसमें नहीं पूछा तो ठीक है, बाद में देखेंगे, ज़रूरत पड़ी तो निकालेंगे, अदरवाइज पढ़ा रहने दो इसको ऐसे. अब आते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्प्रिंग काट दो, सॉरी थ्रेड काट दो. थ्रेड काट दिया, थ्रेड काटते ही तुरंत टेंशन फोर्स हो जाएगा 0, बट स्प्रिंग फोर्स जस्ट आफ्टर कटिंग एकदम से 0 नहीं होगा. अब 2m मास पे कौन सा फोर्सेस लग रहे हैं, देखो थ्रेड काट दिया तो ऊपर वाला सिस्टम तो सारा उड़ गया, तो ये सारा सिस्टम तो गया, ये सारा सिस्टम तो गया, थ्रेड ही काट दी, टेंशन फोर्स खत्म. तो अब 2m मास पे अब कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू इट्स वेट प्लस स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर अभी भी खिंचाव, वो खिंचाव एकदम से ख़त्म नहीं होगा ना. तो m1g प्लस fs, ऊपर की तरफ कोई फोर्स है ही नहीं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, तो ये डाउनवर्ड फोर्स इसको नीचे की तरफ क्या करेगा, लेके जाएगा, तो इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा. अब मैं क्या लिख सकता हूँ, नेट फोर्स ऑन 2m मास कितना हो जाएगा, वो m1g प्लस fs. m1 की वैल्यू डायरेक्ट रख रहा हूँ 2m, लो जी 2m. fs की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर रखी है, वो भी रख देता हूँ mg. तो f नेट कितना हो गया, 3mg. अब फोर्स बाय द डेफिनेशन ऑफ फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. मास कितना है 2m, एक्सेलरेशन वही हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू 3mg. m से m कैंसिल, एक्सेलरेशन विल बी 3g बाय 2. तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ मास 2m जस्ट आफ्टर कटिंग. समझ में आई बात. तो इस तरह से स्प्रिंग मास प्रॉब्लम को हम टैकल कर सकते हैं. देखो नई चीज़ इसमें कुछ भी नहीं है, वही सारे कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ चुके हैं उन्हीं को यूज़ में किया है, उन्हीं को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और कुछ भी नहीं है. थैंक यू सो मच. आई होप आपको इस क्वेश्चन से स्प्रिंग मास प्रॉब्लम, स्प्रिंग कट प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ आ गई हो. हाँ, अगर मैं स्प्रिंग को कट करता तो क्या होता, ये भी सीख लो ना. मान लो यहाँ से कट ना करके यहाँ से कट करता तो क्या होता. अरे अगर यहाँ से कट करता तो भाई साहब स्प्रिंग फोर्स इमिजिएटली 0 हो जाता, स्प्रिंग फोर्स इमिजिएटली 0 हो जाता. तो एफ एस हम 0 लेते इस कंडीशन में, एफ एस हम 0 लेते. इस थ्रेड के अंदर खिंचाव तो अब भी रहता क्योंकि 2m मास लगा हुआ है, लेकिन पहले से कम हो जाता. तो इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम अलग लिख के हम टेंशन की न्यू वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, जो पहले 3mg थी अब 2mg रह जाएगी, और अभी भी क्या रहेगा, ये रेस्ट पे ही रहेगा. बट ये वाला मास जो है इस पे कौन लग रहा है, m2g fs, fs तुरंत ख़त्म, सिर्फ m2g यानी mg फोर्स इस पे लगता, तो ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू कर देता विद एक्सेलेशन g, दैट इज एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये तुम इसको लो, fs 0 लो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम लिखो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम लिखो जस्ट आफ्टर कटिंग, तो आंसर आपको अपने आप ही मिल जाना, वही चीज़ है बस. तो एट द एंड हमें क्या याद रखना है, थ्रेड को कट करोगे तो टेंशन फोर्स इमिजिएटली 0, बट स्प्रिंग फोर्स इमिजिएटली 0 नहीं होगा. लेकिन अगर स्प्रिंग को कट करोगे तो देन स्प्रिंग फोर्स विल बिकम 0 तुरंत ही, वो भी. ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड, हैव अ नाइस डे.